कोई दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि नया भारत है और आतंकी वार्ता तो नहीं होती। इसमें नकेल कसा गया, लेकिन अगर पटाखा भी जोर से बढ़ जाए ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं की तो ये भारत है छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। एक और भूत सवार हो गया है,
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इतनी खतरनाक घोषणा कर दी है, अब कहती है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो सत्ता में आने के बाद गरीबी हटाने के लिए देश के हर नागरिक की संपत्ति का सर्वे करवाएगी, सर्वे करा करके वरासत टैक्स लगाएगी। वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप की, आपके दादा की, आपके आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, जिसकी भी प्रॉपर्टी आपको मिली होगी उस प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी कांग्रेस के लोग लेंगे और फिर इस प्रॉपर्टी को वह मुसलमानों को बांट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? आप पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को अपनी संपत्ति पे कब्जा करने के क्या? अरे हरगिज नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ये मौका ही नहीं आने देंगे। और बात ये तो बात की बात आएगी सत्ता में, राम लला के कारण इनको अब किसी भी चरण में सत्ता नहीं मिलने वाली है, कभी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि चुनाव तो राम भक्तों राम द्रोहियों के बीच में हो गया है। ये तो राम द्रोही है, हमेशा राम का विरोध किए हैं, भारत की विरासत का विरोध किए हैं, इनको सत्ता कभी नहीं मिल सकती है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों भाइयों, आपने औरंगजेब का नाम सुना होगा, ये मुगलों में सबसे क्रूर बादशाह था। औरंगजेब कोई मुसलमान ने अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, मालूम है ना आपको, इसलिए नहीं रखता। औरंगजेब ने सत्ता के लिए पहले अपने भाई की हत्या की और फिर अपने बाप को भी जेल भेज दिया। बाप उसका पानी के तरसते तरसते मर गया, वह औरंगजेब था। और अब औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस के अंदर घुस गई है, इसीलिए वो वरासत टैक्स के नाम पर जजिया कर आपसे लगा रही है। ये जजिया कर औरंगजेब ने भारत में लगाया था, कहा था कि या तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान। आवाज है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और राम को लाने वालों को फिर से देश की सत्ता सौंपनी है। सौंपने को तैयार है, सभी शेषावासी तैयार है, सभी लोग तैयार है, सहमत है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, युवा और जुजारू प्रत्याशी श्री अशोक तंवर चुनाव जीत करके जाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपके पास 5 दिन का समय है, इन 5 दिनों में मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचाएंगे। अब इसमें मेरी बात सुनो, दो काम करना है। आपने मेरे सामने संकल्प लिया है, दो काम। एक, हर व्यक्ति को प्रतिदिन 5 घर जाना है, उस परिवार के हर एक सदस्य से मिलकर के उससे कहना है, 18 वर्ष से हर वयस्क मतदाता को बोलना है कि देखो, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए हमें मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो इसके लिए कमल खिलाना है। और श्री अशोक तंवर जब यहां से चुनाव जीत करके जाएंगे तो मोदी जी 400 पार के लक्ष्य के साथ जाएंगे। तो बहनों भाइयों, सारी समस्याओं का समाधान जाएंगे। 5 दिन में 25 घर और चुनाव के दिन उन 25 घरों को मतदान भी कराना है, कराएंगे। सहमत है, सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।